हे गाइस दिस इज योर बॉय फखर पीरजादा बैक विद अनदर वीडियो वेलकम टू पढ़ाई वाला चैनल सो टुडे हम लोग करने जा रहे हैं एम केट सीरीज़ का लेक्चर नंबर फाइव जो कि चैप्टर थ्री इन्ज़ाइम्स के ऊपर बेस है इसके आज हम फिफ्टीन एम को कवर करेंगे जो कि एम केट बेस होंगे सो so, दोस्त आपने एनर्जी मेनटेन रखनी है सारा खेल एनर्जी का है तो एनर्जी मेंटेन रखो एनर्जी बढ़ाओ कुछ भी करो अपनी एनर्जी को हायर लेवल पे लेके जाओ एम कैट आसान है ये एम कैट आपकी जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम होने जा रहा है सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं एम की तरफ सो गाइज एम नंबर वन इंजाइम्स आर कंपोज ऑफ इंजाइम किससे बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं नहीं इंजाइम्स आर प्रोटीनशियस इन नेचर सो लिपिड से बने होते हैं नहीं अमीनो एसिड से बने होंगे क्योंकि प्रोटीन इन नेचर होते हैं सेलूलर से भी नहीं बने होते तो इसका आंसर होगा अमीनो एसिड ये आपको अगर आपकी रीडिंग थॉर है ना और आप अच्छी तरह से बुक पढ़ रहे हैं तो आपको ये बहुत ईजी एम लगेगा सो एम नंबर टू है द कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ इंजाइम रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल पोर्शन कॉल्ड कौन से स्मॉल पोर्शन पर इंजाइम की एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट होती है तो उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है एक्टिव साइट क्योंकि एक्टिव साइड पर जो है वह इंज़ाइम का रिएक्शन होते हैं के साथ तो ये इनएक्टिव साइड भी नहीं हो सकता रिएक्टेंट साइड भी नहीं हो सकता इनहिबिटर साइड भी नहीं हो सकता इसका आंसर होता है एक्टिवेटर साइड जिसमें कैटेलेटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की सो एम सी क्यू नंबर थ्री इज़ इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट क्या कहलाता है रिएक्टेंट जो कहलाता है वो कहलाता है सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट कहलाता है रिएक्टेंट के सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ मिलता है और वो प्रोडक्ट बनाता है तो ये सबस्ट्रेट कहलाता है रिएक्टेंट सो एम सी क्यू नंबर फोर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ अमीनो एसिड्स ये भी आपका बुक रीडिंग का हिस्सा है कि आपने कैसी बुक रीडिंग की है तो नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो अमीनो एसिड्स को हमेशा याद रखें वो कहलाता है को फैक्टर सही है एक्टिवेटर नहीं कहलाता होलो एंजाइम्स नहीं कहलाता और को एंजाइम नहीं कहलाता हमेशा नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कहलाएगा को फैक्टर एम सी क्यू नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल आइंस यूज एज को फैक्टर को फैक्टर की तरह जो यूज़ होते हैं मेटल्स वो कौन से होते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ एम मैगनीशियम आयरन और कॉपर तीनों ही एज आ को फैक्टर यूज़ होते हैं तो so इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव लेकिन जब भी आपको मैंने बताया है ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आए तो तीनों ऑप्शंस को कंसीडर करें मोस्टली केसेस में ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शंस ही करेक्ट आंसर होता है लेकिन इसमें तुक्का लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है सो एम सी क्यू नंबर सिक्स इन केस ऑफ एंजाइम्स द डिटैचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड डिटैचेबल को फैक्टर क्या कौन सा कहलाता है वो होते हैं एक्टिवेटर्स जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो होते हैं डिटैचबल कोफैक्टर्स सो अब एम सी क्यू नंबर सेवन इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ कोवलेंटली बॉन्डेड अगर कोवलेंटली बॉन्डेड है तो वो क्या कहलाएगा वो जो भी कहलाएगा लेकिन को इन्जाइम्स नहीं कहलाएगा सही है प्रोडक्ट भी नहीं कहला सकता एक्टिवेटर भी नहीं होगा तो उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन भी यही है कि कोवलेंटली बॉन्डेड होता है सही है तो एम सी क्यू नंबर एट इफ़ नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच अगर लूजली अटैच होगा तो वो क्या कहलाएगा एक्टिवेटर्स नहीं कहलाते इनहिबिटर्स नहीं कहलाते प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं कहलाते वो को इन्जाइम्स कहलाते हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि लूजली अटैचड होता है सो एम सी क्यू नंबर नाइन एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यानी एक एक्टिवेटेड एंजाइम है जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन है और एक कोफैक्टर है तो उसको क्या कहेंगे सो so, उसको को एन्जाइम नहीं कहते एपो इंजाइम नहीं कहते को फैक्टर नहीं कहते उसको होलो एंजाइम कहते हैं ठीक है ये याद करने वाली चीज़ है ये अगर आपने होलो एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ी हो तो ये एम बड़े आसानी से आप कर लेंगे सो एम सी सम ऑफ द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द दिनथिस ऑफ प्रोटीन आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ यानी इंटेग्रल पार्ट जो सेल का इंटेग्रल पार्ट है कहाँ जो है वो बनते हैं एंजाइम्स वगैरह सो मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम में नहीं बनते न्यूक्लियस के अंदर नहीं बनते बल्कि राइबोसोम्स वगैरह के अंदर ये बनते हैं एंजाइम्स तो क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर जो है वो एंजाइम और प्रोटीन सिंथेसिस की जो होती है फैक्ट्री होती है इसलिए राइबोसोम्स के अंदर एंजाइम्स का ज़्यादातर फंक्शन होता है सो एम सी क्यू नंबर एलेवन ऑल एंजाइम्स आर विश टाइप ऑफ प्रोटीन सो ये याद करने वाली चीज़ है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं सो दिस इज़ द आंसर कि ऑल इन्जाइम्स आर ग्लोब्यूलर इन नेचर ठीक है उनकी टाइप जो होती है वो ग्लोब्यूलर होती है सो एम सी क्यू नंबर ट्वेल्व इन्जाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू किस चीज़ से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन्जाइम्स तो इन्जाइम जो सेंसिटिव होते हैं वो टेम्परेचर से भी सेंसिटिव होते हैं ठीक है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन होगी इन्जाइम एक्टिविटी बढ़ेगी ठीक है सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हुआ सो so, जब भी ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आएगा आप तीनों एम जो हैं जो तीनों पार्ट्स हैं एम के उसको कंसिडर करेंगे सो एम सी क्यू नंबर थर्टीन इन्जाइम्स आर मतलब इन्जाइम्स के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या होते हैं इन्जाइम्स एज एज इन अ नेचर सो इन्जाइम्स आर लेस स्पेसिफिक इन नेचर नहीं इन्जाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर जिस चीज़ पे काम करना होगा सिर्फ उसी पे काम करेंगे उसके अलावा और किसी सबस्ट्रेट वगैरह पे काम नहीं करेंगे तो दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इन देयर नेचर सही है और अब एम सी क्यू नंबर फोर्टीन द एक्टिव साइट ऑफ इंजाइम इज़ मेड अप ऑफ जो एक्टिव साइट होती है इंजाइन की वो किस किस चीज़ से बनी होती है वो दो चीज़ों से बनी होती है एक्टिव साइट अब देखो बाइंडिंग साइट से बनी होती है और कैटालिटिक साइट से बनी होती है सिर्फ बाइंडिंग साइट और सिर्फ कैटलिटिक साइट से नहीं बनी होती तो इसलिए जब भी नन ऑफ द अबॉफ का ऑप्शन आए तो आप हर चीज़ को कंसिडर करें ठीक है बेदहानी में सिर्फ डी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के पीछे नहीं भागना है सब चीज़ों को पढ़ना है क्या चीज़ लिखी हुई है तो so, इसके अंदर ए आंसर इसका सही है कि बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट से एंजाइम की एक्टिव साइट्स बनी हुई होती हैं सो एम सी क्यू नंबर फिफ्टीन हु प्रोपोज द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एन एंजाइम तो किसने किया था एमेल फिशर ने किया था बाकी ये याद करने वाली चीज़ है इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है सो so, गाइज एम कैट की सीरीज़ के लेक्चर नंबर फाइव के हमने इंजाइम टॉपिक के फिफ्टीन एम सी क्यूज़ कवर कर लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में फिफ्टीन एम सी क्यूज़ और कवर करेंगे उसके बाद एंज़ाइम्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा सो टिल देन पढ़ाई करते रहें ऑल द वेरी बेस्ट